Hi, friends, welcome back to my channel Science with Darpan. Today, we are going to perform laws of reflection. We are having a paper on this, I have marked all the angles from 0 to 90 and again 90 to 0. This is the normal, okay, the imaginary line that we draw. Uh, I am having a plane mirror. Now, you see, I am having a laser light. I will point it at 40 degrees. वी आर गेटिंग रिफ्लेक्शन ऑन फोर्टी डिग्रीज सो दिस इज द फर्स्ट लॉ की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस यिस इज द इंसिडेंट रे विच आई एम फोकसिंग और फिर रिफ्लेक्टेड रे है जो भी फोर्टी पे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ जो था कि ये कौन सी रे है ये जो मैं फोकस कर रहा हूं ये है इंसिडेंट रे ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहां पे ये कौन सी रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो है ये क्या है नॉर्मल तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ओके एंड थर्ड पॉइंट दैट दिस इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सेम प्लेन सेम प्लेन मतलब ये जो हमारा मिरर है इसके इस साइड ही है फ्रंट साइड है और अगर तुम ये पॉइंट देखोग तीनों का एक कॉमन पॉइंट है इसलिए हम क्या कहते हैं दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन दीज आर द थ्री लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थैंक यू